यहाँ पे चुनाव होते हैं, चुनाव के टाइम पे हाथ जोड़ने के लिए घुटने टेक टेक के वहाँ तक पूरा गधेरा पार करके जाते हैं वो, ठीक है। और वहाँ पे ऐसे ऐसे वादे करके जाते हैं कि ये सब ठीक होगा, ये सब हम ठीक करेंगे, ये वो सब। और पागल जैसे लोग हमारे उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए जय जयकार नारा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, और लास्ट में क्या मिलता है? ओह, बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्या ही बताऊँ। अगर हमारे वहाँ पे रोड नेटवर्क लाइट सारी चीज़ें होती तो शायद से मैं खुशी अभी जो खुशी। है मैं ऐसे रास्ते में पहुंची हूँ और मुझे इतनी डर लगी ना सच में। अभी मम्मी आ रही है लेने के लिए। तो पहले जब मैं यहाँ से स्कूल आती थी ना, यहाँ से ऊपर ना बड़े बड़े पत्थर आते थे, ये ऊपर जो ये चट्टान जैसा है ना, फिर हम दौड़ के जाते थे यार यहाँ से। गाइस मुझे एक बहुत ही प्यारी क्यूट सी लड़की मिली है, नाम बताओ अपना, नाम बताओ। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो सुबह से थोड़ा सा बिजी थी इसलिए मुझे ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला। आज है शादी। किसकी शादी है ये देखो गाइस, बहुत सुंदर लग रही है। दही की शादी है। थोड़ा बहुत मैंने मेकअप किया इसका तो। यह चाय में लीजिए। सस्ती मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं इनकी। सस्ती मेकअप आर्टिस्ट इसकी भी थी मैं, इसकी शादी में भी, इसकी शादी में भी। चलो जाओ तुम लोग गेट में, जाना क्यों नहीं जा रही, गेट में जाओ। गाइस पीछे से कॉपीराइट आ सकता है तो फिर मैं फटाफट कर रही हूँ। बारात आ चुकी है और सारे लोग आ गए हैं। तो ये देखो, ये मैंने तो सिंपल सा ब्लैक सूट पहना है, ठीक लग रहा है। और इन्होंने साड़ी। गाइज यहाँ पे हो रहा है दुल्हन का फोटोशूट। गाइज ये परसों के ही हाल के ही दूल्हे हैं, इन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया था। किया था मैंने इनवाइट। बताऊंगी तुम्हें। नहीं नहीं मैंने इनवाइट किया था। बताऊंगी। और तुम मेरे एंगेजमेंट में भी नहीं आए। ये डांसर रुक ही नहीं रहे यार आगे से। ए, गाना सुनाई दे रहा तुम लोगों को? बड़ी मुश्किल से अभी गाने बंद हो रहे हैं। हाँ ये चीज़ तो तुम्हारा काम है। तो गाइस अभी यहाँ पे दूल्हा दुल्हन जो है खाना खा रहे हैं। भरी लागू नहीं इन उंजी वेर बोल तो कुछ हो शादी कुछ तो बुलाया नहीं, इनवाइट कर।
तुमने बुलाया शादी में? मैं तो यखा बार को आए हाँ जो को मेरी मने मैंने कहा तो सही ना। धन्यवाद यार तो गाइस अब हम लोग खा रहे हैं यहीं पे। मेरी देखो अच्छी थाली आई है, स्टाइल वाली थाली आई है मेरी। नहीं भी बात देख लो, वो बात हमने नहीं सुनता, जहाँ पढ़ लो। हाँ ला दो आप खा लो यार। यो नहीं बता तो मेन बाप रे तो गाइस सुबह से लेके अभी तक जो है अभी बस अभी जो है थोड़े से गाने बंद हुए हैं, इसलिए मुझे सुबह से ना ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता, मतलब बोलने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। तो अभी जो है यहाँ पे ये दुल्हन है और ये खचारा हालत है। और और क्या ही बोलूँ, मेरा नेट ही नहीं चल रहा है गाइस। अभी मैं आप लोगों को गाइस मुझे एक बहुत ही प्यारी क्यूट सी लड़की मिली है, नाम बताओ अपना, नाम बताओ तो शर्मा रही है, नाम बताओ जल्दी, नाम बताओ Thank you.
गाइज मैं पता है आपको अकेले रास्ते में हूँ और देखो गाइज रास्ता ये है, बहुत ही डाउन है जो आज ये वाला रास्ता है। ये वाला रास्ता मैंने कभी व्लॉग में दिखाया नहीं क्योंकि मैं इस वाले रास्ते से कभी आई नहीं थी। मम्मी लोग आए थे, वो लोग चले गए जल्दी क्योंकि हमारे मतलब हमारे उसमें ना कोई एक्सपायर हो गए थे तो हमारा सूतक हो गया, तो वो लोग उन लोगों ने संकल्प मतलब दहेज वगैरह दिया और फिर वो लोग चले गए थे। तो मेरे से फिर मम्मी कह रही थी कि तू तो रुक जा दे क्योंकि अब मेरी इंगेजमेंट हो गई है तो उतना नहीं मतलब नहीं मानते हैं शायद अब पता मतलब ऐसा कह रहे थे नहीं मानते के? तो मेरे को कह रहे थे तू रुक जाना और आ जाना करके। और ये जो रास्ता है ना ये मेरा अकेले का रास्ता है, मतलब मैं इस रास्ते में अकेले जाने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बचपन में मैं यहाँ से ना स्कूल जाती थी जब मैं छोटी छोटी थी, तो छोटी क्या 6-7 में थी, यहाँ से स्कूल जाती थी मैं तो इसी रास्ते से जाती थी अकेले। और अभी मतलब बहुत वो लगता है, अकेले में जाने में बहुत डर लगती है। तो सब लोग रुकने के लिए कह रहे थे बट नहीं रुकी मैं क्योंकि मुझे घर जाना था, फिर मुझे सामा जाना है, फिर मुझे हल्द्वानी भी तो जाना है ना इसीलिए। तो गाइस बहुत ही लंबा सफ़र होने वाला है मेरा, पता नहीं कैसा। तो और मैंने अपने चप्पल देखो, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे, मैंने सबसे बड़ी गलती करी कपड़े चेंज नहीं करे। कोई नहीं अब ऐसे ही चलती हूँ, बैठते बैठते जाऊँगी बट मुझे ना अंधेरा हो जाएगा शायद। और शादी बहुत अच्छी रही, पहले तो मतलब वहाँ जो बरेती थे ना उन्होंने पता है गाने बंद ही नहीं करवाए, तो इस वजह से ना मेरा मैं कॉपीराइट आता है करके मैंने थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया मैंने, फिर ऐसे ही रहा और बाकी बढ़िया रहा। थोड़ा सा रोई दुल्हन, होता ही है, इमोशनल मोमेंट होता है उस टाइम पर, भले इंसान बाहर से कितना भी हंसे खेले। अभी तो ना पहुँचूँगी मैं, 6 बज गया है, मैं 8-9 बजे पहुँचूँगी, तो अकेले हूँ ना धीरे धीरे। बाप रे ये देखो तो मौसम देखो कैसा हो रहा है, कितना वो हो रहा है ना, पावना इतने थक रहे हैं। मैं तब से लेके जो है बिल्कुल भी नहीं रुकी, चुपचाप आई, मैं फ़ोन पे बात करते हुए आ रही थी, रोहन से भी बात कर रही थी ना मैं, तो मैं चुपचाप रोहन से बात करते करते आई। अभी मैं नीचे पहुँच गई हूँ, मैंने कहा चलो उसका फ़ोन कट गया था, मैंने कहा ब्लॉग बनाती हूँ आप लोगों को ना, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। पता पहले जब मैं यहाँ से स्कूल आती थी ना यहाँ से ऊपर ना बड़े बड़े पत्थर आते थे, ये ऊपर जो चट्टान जैसा है ना, फिर हम दौड़ के जाते थे यार यहाँ से। बाप रे अब तो मैं चली नहीं पा रही, क्या जो दिन थे यार, हम यहाँ से ऐसे चढ़ाई चढ़ के आते थे ना, फटाफट ऊपर भी देखते थे क्योंकि बरसात के टाइम पर क्या होता है ना पत्थर आ जाते हैं ऊपर से, तो पत्थर आने के डर है, हम सब लोग दौड़ते। और ये जो नाली है ये पूरी भरी रहती थी नाली। तो फाइनली गाइज मैं बैठ चुकी हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब थकान लग रही थी। अभी मुझे यहाँ से सीधे और यहाँ से यहाँ जाना है यार, मुझे ना बहुत डर लग रही है बट जाना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इतना रुक रुक के जा रही हूँ, इतना रुक रुक के जा रही हूँ, मतलब अभी तक ना इंसान घर पहुँच जाता दोबारा आ भी जाता, एक चक्कर लगा भी देता, बट मेरे को ना बहुत थकान हो रही थी इसलिए मैं आराम आराम से जा रही हूँ, आराम आराम से। यहाँ भालू तो नहीं होते होंगे कहीं, मैं कभी रात में जितनी रात में मैं आज घर जाने वाली उतनी रात में कभी गई हुई नहीं, पहले भी नहीं गई थी मैं। रोहन बहुत जिद कर रहे थे मैं भी आता हूँ मैं भी आता हूँ, यहाँ तो वो आते नहीं क्योंकि चल नहीं पाते और उनकी वजह से फिर मैं भी नहीं आ पाती। मैंने कहा यार तुम रहन दो, तुम मत आओ मैं आती हूँ, बट मैं बहुत मिस कर रही हूँ यार उनको, मैं अकेले, मैं मेरे को ना आजकल बहुत क्योंकि अब आदत हो चुकी है ना, तो मुझे अकेले जाने की कहीं भी दूर दूर अकेले जाने की आदत नहीं है। मैं क्या करूँ, तो मैं फ़ोन पर बात करते हुए ही जा रही हूँ, फ़ोन पर बात कर रही हूँ तब जा रही हूँ, अब चलती हूँ मैं, बहुत बैठ चुकी हूँ। ये मेरा पर्स है, मुझे ना बहुत पानी प्यास लग गई थी यार, अब तो मेरे पाँव काम ही नहीं कर रहे यार। ऐसे मुझे कब हुआ था, जब मैं जिम गई थी ना भाई, उस दिन हुए थे मुझे, 2-3 दिन तक इतना दर्द हुआ था और अभी वैसे होने वाला है मुझे लग रहा है। तो चलने में ही दिक्कत होती है, बाकी तो किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओहो अब तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है गाइस, देखो
अभी जो है मैं ऐसे रास्ते में पहुंची हूँ और मुझे इतनी डर लगी ना सच में। अभी मम्मी आ रही है लेने के लिए। तो गाइस नेटवर्क इशू होने के कारण मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी और लाइट नहीं होने के कारण मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई। मैं सामा आई हूँ तो मैं दूसरे दिन एक दिन वहाँ पे स्टे करा, फिर मैं दूसरे दिन सीधे सुबह सामा आ गई थी क्योंकि वहाँ पे ना तो नेटवर्क की वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। मुझे वहाँ पे दो तीन दिन रुकना था बट मैं नहीं रुकी। मुझे रोहन ने इतना डांटा, उन्होंने बोला कि जब अकेले तुझे पता था कि अंधेरा होगा करके तो अकेले क्यों गई। और मैं फिर आधे रास्ते में मम्मी आ गई थी ना लेने के लिए इसलिए, और मेरा फ़ोन भी ऑफ हो गया था। बहुत सारी दिक्कतें हैं, पहाड़ है यहाँ, पहाड़ों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और फिर मैं सामा आ गई थी सीधे क्योंकि मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहा था वहाँ पे, और नेट लाइट नहीं थी यार, लाइट की वजह से ना मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था और फ़ोन चार्ज नहीं हो गया तो मैं व्लॉग कैसे बनाऊँगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्या ही बताऊँ। अगर हमारे वहाँ पर रोड नेटवर्क लाइट सारी चीज़ें होती तो शायद से मैं खुशी खुशी घर में भी रहती। मुझे तीन चार दिन रुकना था, नहीं रुक पाई। अब मुझे हल्द्वानी भी जाना है। लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तुम अपने घर नहीं जाती हो, अपने गांव में तुम व्लॉग नहीं बनाती हो, अपने गांव में तुम ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो। उन्हें नहीं पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, वहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ पाता है। मुझे अब डेली अपडेट होना पड़ता है सोशल मीडिया पे। अगर मैं गाँव में रहने लग गई तो फिर मैं व्लॉग कैसे बनाऊँगी? रात भर मैं सो नहीं पाऊँगी अगर मेरा व्लॉग अपलोड नहीं होगा तो, है ना। तो सबका अपना अपना काम होता है, इसलिए मुझे मेन रीज़न ये भी है कि मैं वहाँ पे इसलिए नहीं रहती हूँ क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत रहता है, लाइट भी नहीं आती है ढंग से, फ़ोन चार्ज कैसे होगा। मैं चल नहीं पाती हूँ यार वहाँ, लोग आने से डरते हैं वहाँ, बोलते हैं अरे बाप रे तुम्हारा गांव इतना दूर है, वहाँ तो रोड भी नहीं है भाई, कैसे जाते हो ये वो सो। तो ये चीज़ें ना सरकार पता नहीं क्या है, या तो वहाँ कभी देखा नहीं होता। जब हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं, चुनाव के टाइम पे हाथ जोड़ने के लिए घुटने टेक टेक के वहाँ तक पूरा गधेरा पार करके जाते हैं वो, ठीक है। और वहाँ पे ऐसे ऐसे वादे करके जाते हैं कि ये सब ठीक होगा, ये सब हम ठीक करेंगे, ये वो सो। और पागल जैसे लोग हमारे उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए जय जयकार नारा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, और लास्ट में क्या मिलता है। तो आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। और मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है क्योंकि मैं उस दिन रात को आई ना तो पता नहीं क्या हो रखा है, और मेरी बॉडी मतलब पूरी भारी हो रखी है। रात को ना ढंग से नींद नहीं आ रही है। कल रात मैं कल शाम को पहुँच गई थी, कल रात में सो नहीं पाई रात भर, तो सुबह मुझे व्लॉग अपलोड करना था वो मैंने कर लिया था। अब यह व्लॉग मैं एंड करती हूँ, जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है गाइस, बाय बाय टाटा। अब तो सीधे मुझे हल्द्वानी जाना है शायद, तो हल्द्वानी जाऊंगी मैं सीधे।